What's up everyone, welcome back to the channel. हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम में मैंने आप लोग को एग्रीगेट सिखाए थे कि एग्रीगेट्स में किस प्रकार से हम लोग काम करते हैं. ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट मेंटेन कर दी है, वही दो प्रकार की प्लेलिस्ट बनाई है. एक वो जिसमें आपका टर्म टू का जो मैंने पहले से ही पढ़ाया हुआ है सारा सिलेबस, वो पूरा है तो आप अपना आराम से जाके प्रिपेयर कर सकते हो, और एक वो जिसमें अब मैं नया कंटेंट ऐड कर रहा हूँ. तो चलिए आज हम शुरू करेंगे नेशनल इनकम के कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ, जिससे आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रांग हो जाए. और आई थिंक तीन क्लासेस लेगा, क्योंकि तीन मेथड्स हैं नेशनल इनकम एस्टिमेट करने के. तीनों ही हम अलग अलग से एक एक कॉम्पोनेंट को ध्यान से समझते हैं. तो आज के इस वीडियो में हम लोग कॉम्पोनेंट्स को डिस्कस करेंगे और कुछ फॉर्मूला देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं. बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा पक्का प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है जो आएगा ही आएगा आपके यहां पे. तो चलिए जी फिर जल्दी से शुरू करते हैं, कॉपी पेन ले आओ, लेट्स बिगिन. तो देखो यार, अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन मेथड्स बताए गए हैं. सबसे पहला होता है वैल्यू एडेड मेथड. वैल्यू एडेड मेथड का मतलब क्या है? बेसिकली एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है तो इनकम जनरेशन होता है. अब जब प्रोडक्शन होगा तो खर्चा भी होगा, है ना, तो पूरा साइकिल है जो चल रहा होता है. तो तीन तरीके हैं. वैल्यू एडिड मेथड, जिसमें हम सिर्फ वैल्यू एडिशन को कंसिडर करते हैं कि एक प्रोड्यूसर ने कितना वैल्यू एडिड करा, कितना वैल्यू ऐड करा पर्टिकुलर चीज़ में, इसे हम इसमें देखेंगे आराम से डिटेल में एक एक चीज़. एक्सपेंडिचर मेथड से भी आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो. भाई मेरा खर्चा तो आपकी इनकम, आपका खर्चा तो किसी और की इनकम, सर्कुलर फ्लो ऐसे ही तो चलता रहता था, है ना. एंड थर्ड वन इज इनकम मेथड. इनकम मेथड में हम देखते हैं कि इंडिविजुअल इनकम्स कितनी कितनी हुई हैं. भाई अगर नेशन की इनकम देखनी हो, अपने पूरे नेशन की, नेशनल इनकम निकालनी है, नेशन की इनकम देखनी है, तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर मैं उन सभी की इनकम को जोड़ता चला जाऊं हर सोर्स से, जहां जहां से भी प्रोडक्टिव इनकम जनरेट हो रही है, याद रखना मेरे शब्दों को, प्रोडक्टिव इनकम, कोई भी लॉटरी या कोई भी, ये प्रोडक्टिव नहीं है तो ऐसे ही मिल गई, ये नहीं मानने, सिर्फ प्रोडक्टिव इनकम्स, उनको सम कर दूं अगर तो नेशन की इनकम आ जाएगी या नहीं आ जाएगी. तो आज हम पढ़ेंगे यही इनकम मेथड और किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस होते हैं देखेंगे. देखो इनकम मेथड में मैंने आपको क्या बोला कि मुझे ये देखना है कि मेरे देश में लोगों को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, कहां कहां से कितना कितना इनकम जनरेट हो रहा है. तो हमने इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए पांच एलिमेंट लिखे हैं, जिन्हें आपको याद करना है कैसे, प्राइम से. ये एग्जाम में मत लिख के आना, बस वैसे ही तुम लोगों को बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, है ना. पी स्टैंड फॉर प्रॉफिट, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में लिखाते हैं नंबर कट जाएंगे. आर रेंट एंड रॉयल्टी, आई इंटरेस्ट, एम मिक्स्ड इनकम, और ई ये एम्प्लॉयज से आया, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. ठीक है, ये पांच क्या है सर? ये पांच सोर्स ऑफ इनकम्स हैं जो लोगों को हो रही हैं. सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंटरप्रेन्योर्स की, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कंपनीज चला रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए होते हैं प्रॉफिट्स. सबसे पहले उन्हें क्या होते हैं? प्रॉफिट. सर प्रॉफिट में क्या सब कुछ जोड़ दूँ? प्रॉफिट तीन चीज़ों से मिलकर बना है. कितनी चीज़ों से बन के बना है? सबसे पहले इसके अंदर प्रॉफिट में कितनी चीज़ें आती हैं हमारे पास? तीन चीजें आती हैं. सबसे पहले जो शेयर होल्डर को बांटा गया डिविडेंड, उसके बाद जो आपने फ्यूचर के लिए बचा लिया रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, और तीसरा जो आपने टैक्स दे दिया प्रॉफिट में से. भाई प्रॉफिट पे टैक्स भी तो इसी में से दिया गया ना, कॉरपोरेट टैक्स. तो अगर आपको प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन होगा क्वेश्चन में, फिर तो इन तीनों का कोई काम ही नहीं है. लेकिन अगर प्रॉफिट गिवन नहीं होगा तो ये एक दो या तीनों तीनों ही गिवन होंगे, तो आप उन्हें ऐड करके प्रॉफिट निकाल लेना. प्रॉफिट कैसे निकलेगा? डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स. तो एक ये सेक्टर हो गया जो एंटरप्रेन्योर्स जो पैसा कमा रहे हैं. ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनकी रेंटल इनकम होती है, रॉयल्टी होती है. रॉयल्टी क्या होता है कि बेसिकली अगर आप किसी एसेट का प्रोडक्शन कर रहे हो या आप यूज कर रहे हो उस एसेट को, तो ऑनर को आप वो रॉयल्टी दोगे उसको यूज करने का, है ना. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बुक का एग्जांपल है लो, बुक से आपको एकदम समझ में आ जाएगा. बुक पब्लिशर्स होते हैं, वो बुक प्रिंट करते हैं. आप कोई भी बुक फॉलो करते हो, ऑथर अलग है, पब्लिशर अलग है. पब्लिशर उस बुक को हर साल छापता है और उसके एक्सपेंसेस उठाता है. वो ऑनर को उसके बदले में, ऑनर कौन है? जिसने किताब लिखी है, लेकिन वो एक भी रुपया खर्च नहीं कर रहा उसको छापने में, उसको बेचने में, वो बस लिख के दे रहा है, है ना. पब्लिशर ने बोला सब हम करेंगे और हम आपको सारा पैसा हम रखेंगे, बट आपको एक फिक्स परसेंटेज देंगे. अब ऑनर के लिए रॉयल्टी क्या है? एक इनकम है जो उसे जनरेट हो रही है, उसकी जितनी भी किताब बिकती है उसका एक परसेंटेज उसको मिल जाता है ना, रॉयल्टी.
रेंट, रेंटल इनकम आप सब जानते हो, तो रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट आ रहा है कहीं से, राइट। तो मेरे पास सबसे पहले ये प्रॉफिट होता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उसके बाद ये पार्ट जो होता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, है ना, ये एक ऐसी इनकम होती है जो दूसरी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, बट है तो इनकम ही। मिक्स्ड इनकम कौन सी होती है, जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं, जो भी हमारे आसपास लोग काम कर रहे हैं हर प्रकार से, जो अपने अपने काम में एंगेज्ड है, वो सभी लोग मिक्स्ड इनकम में आ जाते हैं, चाहे वो छोटे शॉपकीपर्स हों, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसका अपना गारमेंट्स का शॉप है, किसी का कपड़े का शॉप है, किसी का मतलब गारमेंट रेडीमेड हो गया और वो अनस्टिच्ड हो गया, कोई शूज का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अलग अलग तरीके से काम बना रहे हैं, वो सब मिक्स्ड इनकम में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कौन लोग हो गए, जिन्हें फिक्स्ड रेमुनरेशन मिलती है, सैलरीज मिलती है, ये सैलरीड लोग हैं बेसिकली। अब वो कौन लोग हैं, किस प्रकार से मिलेगा इन्हें पैसा, वेजेस एंड सैलरीज, कुछ को कैश में मिल जाएगी, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, कुछ पैसा इन्हें काइंड में मिलता है, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। सर काइंड का क्या मतलब हुआ, काइंड का मतलब कि बच्चों की एडुकेशन फीस भर दी, रेंट फ्री अकोमोडेशन हाउस दे दिया, है ना। सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड, प्लस ये याद रखना एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ये बात याद रहे बेटा जी, एम्प्लॉयर का होना चाहिए, अगर एम्प्लॉय का है ना फिर इग्नोर कर देना, ठीक है। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज या तो डायरेक्टली गिवन होगा, गिवन नहीं है तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, यानी कि कितना पैसा एम्प्लॉयर ने उनके प्रोविडेंट फंड में, ग्रेचुटी में, कुछ उनके फ्यूचर बेनिफिट के लिए सेव किया है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हैं जो आपको ढूंढने हैं सर, एलिमेंट्स प्राइम। प्रॉफिट में ये तीनों होने चाहिए, अगर प्रॉफिट गिवन है तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, एज इट इज़ लिख देना, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स इनकम और सी ओ ई, ठीक है। अच्छा, अब याद रखना कि एक कई बार आपको लिखा होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, वॉट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, सर ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस इज पहले वाले तीन, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, आप इन तीनों को जोड़ दोगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाता है। तो कई बार आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया होता है तो याद रखना कि बस ये तीन में अब दो ही जोड़ने हैं आपको, मिक्स्ड इनकम और सीओई, तो आपके पास डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा, हमारे देश में जो डोमेस्टिक लेवल पे इनकम जनरेट हुआ। डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी से फिर तुम्हारे से कुछ भी पूछ सकता है, जीडीपी पूछ सकता है, एनएनपी पूछ सकता है, जीएनपी पूछ सकता है, एनडीपी पूछ सकता है, वो तुम्हें निकालना आता है ना। तो ये हमारे सबसे पहले फॉर्मूलाज होते हैं, याद रखेंगे तरीका, फॉर्मेट प्राइम, प्राइम मत लिख के आना, फुल लिख के आना, कहीं प्राइम लिखाओ। आज यहाँ से कहाँ पहुँचोगे, एनडीपी एट एफसी पे, उसके बाद जहाँ भी जाना है जा सकते हो यार, क्या दिक्कत है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर तुम लोगों को क्वेश्चन कराता हूँ। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। चलो जी, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चंस। आओ जी, अब करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट एनवाई, एनवाई मतलब नेशनल इनकम निकालना है यार, नेशनल इनकम निकालना है, लेकिन जो कंपोनेंट्स हैं वो दिए हैं डोमेस्टिक इनकम के। देखो सब इनकम है, वेजेस, सैलरी, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट इनकम, रेंट इनकम, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम, तो बेसिकली इनकम के कंपोनेंट्स दिख गए आपको। एग्जाम में ढूंढना होगा तुम्हें कि कौन से कंपोनेंट्स हैं, है ना। तो हमें पता है कि एनडीपी एट एफसी कैसे मिलता है, पी आर आई एम ई, पांच चीजों को जोड़ दूं, है ना, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम और सीओई। सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, है ना। तो शुरू करते हैं, देखो सबसे पहले मुझे चाहिए प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए डिविडेंड दिख रहा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी रिटेन्ड अर्निंग्स दिख रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स मुझे नहीं दिख रहा, तो बस इन दोनों को ले ले, कॉर्पोरेट टैक्स तो है नहीं, प्रॉफिट में तीन चीजें बताई थी, कॉर्पोरेट टैक्स तो है नहीं, तो ये दोनों ले लो बस, 20,000 और 10,000, 30,000 रुपीज का तो प्रॉफिट आ गया। चलो रेंट एंड रॉयल्टी ढूंढो, क्या रेंट है, रेंट ये रहा 30,000, रॉयल्टी सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, इंटरेस्ट पेड नहीं है, इंटरेस्ट इनकम नहीं है, नहीं बस रेंट दिख रहा है, 30,000 रुपीज का रेंट हो गया। चलो रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट इनकम, इनकम मेथड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड चाहिए, इंटरेस्ट पेड नहीं चलेगा ना, ये तो खर्चे में गया,
इंटरेस्ट रिसीव्ड ये रहा 10,000। मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम जो अपना खुद का काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस में एंगेज्ड है, मिक्स्ड इनकम के लिए फ्लड रिलीफ भी नहीं। ये रहा सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम, जो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम यानी मिक्स्ड इनकम 80,000 रुपीज की मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी मुझे डायरेक्टली कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ ये दिख रहा है वेजेस एंड सैलरीज और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ठीक है ना। 1,20,000, 120 का ये हो गया। तो मेरे पास एनडीपी एट एफसी आ गया 120 प्लस 80 2,00,000, 210 प्लस 3240 270 आ गया, 2,70,000 का एनडीपी एट एफसी आ गया। अब तुम्हें एग्रीगेट मैंने सिखाए थे, जहां भी जाना हो वहां पहुंच जाओ। कहां जाने को बोल रहा है? नेशनल इनकम निकालने को बोल रहा है। नेशनल इनकम क्या होता है जी? NNP@FC। अभी हम कहां पे हैं? NDP@FC। इसका वैल्यू है 270। बस डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, बाकी सब तो सेम है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आपको क्या जोड़ना पड़ता है? NFIA जोड़ना पड़ता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA तो गिवन ही नहीं है, कहीं पे भी मुझे NFIA दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर NFIA नहीं दिखाई दे रहा यानी कि जीरो, तो नेशनल इनकम भी कितना आ गया? 2,70,000। NNP@FC नेशनल इनकम भी कितना आ जाएगा? 2,70,000 ही आ जाएगा। यूनिट्स आप देख लेना कि लैक्स में या करोड्स में है। लैक्स में होगा तो लैक लगा देना, करोड्स में होगा तो करोड्स लगा देना। यूनिट्स इज अप टू यू। तो ये हमारे पास पहला चीज होती है, वो कौन कौन सी हो जाती है जी? पहला न्यूमेरिकल हमें कैसे सॉल्व करना है। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, कौन सा न्यूमेरिकल है? आओ जी, क्या क्या गिवन है? मिक्स्ड इनकम गिवन है, सब्सिडीज गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, वेरी गुड। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब समझते हो ना? ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब RIP गिवन है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स। डेप NFIA, COE, IT, IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, IT इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या क्या निकालना है? GDP, MP, GDP, FC, नेशनल इनकम। चलो ये तो बाद की बातें हैं। सबसे पहले तो आप डोमेस्टिक इनकम निकालो। NDP@FC, PRIME, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, COE। चलो प्रॉफिट ढूंढो सबसे पहले। प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, सब्सिडी, ऑपरेटिंग, अच्छा सब ये दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है। जो ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है यानी ये RIP ये तो गिवन है। कितना गिवन है? 95,000, वेरी गुड। मिक्स्ड इनकम ये रहा 280 का मिक्स इनकम गिवन है, इसको लिख दो यहाँ पे 280। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वेजेस एंड सैलरीज, ये रहा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 144 का ये गिवन है। तो NDP@FC कितना हुआ? NDP@FC हो गया 95,000 प्लस 280,000 प्लस 144,000, 5,19,000 आपका NDP@FC आ गया। NDP@FC 519। अब क्या क्या निकालना है? GDP, MP, GDP@FC। सबसे पहले GDP@MP अगर निकालना हो, अभी आप कहाँ पे हो? NDP@FC पे हो, ठीक है। NDP@FC है 5,19,000। नेट से ग्रॉस, ग्रॉस से नेट जाना होता है तो माइनस डेप करना होता है, नेट से ग्रॉस है तो प्लस डेप, ठीक है। डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, PP सेम है, बस फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है। तो प्लस NIT, प्लस NIT यानी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। सबसे पहले तो डेप जोड़ो, डेप 40,000 रुपीज का डेप है। NIT इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, सब्सिडीज तो मुझे दिख नहीं रही, तो NIT निकाल लो पहले। IT माइनस सब्सिडीज, IT है 88,000, सब्सिडीज ये है 11,000 की सब्सिडी है। तो 88 माइनस 11 77,000 हो गया, 77,000 का NIT आ गया। वैल्यू 519 प्लस 40,000 प्लस 77,636,636,000 ये आपका GDP@MP आ गया, GDP@MP।
ठीक है जी। अच्छा जी, जीडीपी एमपी मिल गया, और क्या निकालना था? जीडीपी एट एफसी भी निकालना है। अरे बाबा, जीडीपी एट एफसी निकालना है। अभी मुझे क्या पता है, जीडीपी एट एमपी पता है 636,000, ये मुझे जीडीपी एमपी पता है। अब मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, बाकी सब सेम है, बस मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, जस्ट वही चीज। क्या करें जी, माइनस कर दो एनआईटी में से, माइनस कर दो एनआईटी। एनआईटी था कितना, 77,000। तो 636,000 माइनस 77,000, 5,59,000, ये आ गया जीडीपी एट एफसी। जीडीपी एट एफसी हो गया। लास्ट क्या निकालना था? लास्ट निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है सर? एनएनपी एट एफसी। अच्छा जी, एनडीपी एट एफसी तो आ गया था, एनएनपी एट एफसी निकालना है। मैं था एनडीपी एट एफसी पे, एनडीपी एट एफसी आया था 5,19,000। एनएन सेम है डोमेस्टिक से नेशनल, तो प्लस एनएफआईए, पता है ना, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना हो तो प्लस एनएफआईए। पीपी सेम है, एफसी एफसी सेम है, बस एनएफआईए चाहिए। एनएफआईए गिवन है माइनस का 2500, माइनस का 2500, तो हम यहाँ पे भी माइनस कर देंगे 2500, ठीक है। तो 5,19,000 माइनस 2500, 5,16,500, ये आ गया एनएनपी एट एफसी। तो बेसिकली आपको इनकम मेथड से क्या सीखने को मिलता है? बेसिकली ये सीखने को मिलता है कि इनकम मेथड से आप सभी कंपोनेंट्स जोड़ो, एनडीपी एट एफसी तक पहुंच जाओ। कंपोनेंट मैंने आपको अभी लिखवाया, बस वो कंपोनेंट ढूंढने हैं, उसके अलावा कुछ भी लिखा हो इग्नोर करो। कंपोनेंट ढूंढो, मिल गया कंपोनेंट का वैल्यू पुट करो, फिर एग्रीगेट को यूज करके जो मर्जी पूछ ले तुम निकाल सकते हो। समझ में आया? तो दिस इज द वे हाउ नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स आर टू बी डन। होपफुली आप लोगों को ये इनकम मेथड पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और सारी चीजें आप बहुत अच्छे से कर भी पाओगे डेफिनेटली। तो दिस इज इट गाइज, होपफुली आप लोगों को आज की तीनों ही वीडियोस आपने देख ली होंगी, अकाउंट्स भी, बिजनेस भी और इकोनॉमिक्स भी। अब मिलता हूं मैं आपको फिर नेक्स्ट कल, और कुछ और नई चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो और प्लेलिस्ट अच्छे से इंजॉय करो, यूज करो। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।